أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة ولا قضائهم مجمعين ما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه الحمين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من مُؤَمَّرٍ ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير تمام تعريفه خدای بزرگ برتر کے इसकी रहमतों के नतीजे में सांसों की आमदो रफ़ जारी व सारी है हर सांस की आमद पर भी शक्र खुदा वाजिब है और हर सांस के अखराज पर भी शिक्र खुदा वाजिब है और तमाम हद यह दराम नजवात मुक़दसात के लिए कि जिनके वजूद की बरकतों से सांसों में खुशबूए इबादत जारी वारी है الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا واياكم ان شاء الله من الطالبين بسأر الحسين مقبليه الامام المهدي من ال محمد عليهم السلام. اما بعد الشكر خذ تبارك وتعالى ساتھ 24 रोज़े माह रमज़ान के इस साल मुकम्मल हुए ख़ुदा अपनी बारगाह में हमारे और आपके रोज़े और नमाज़ें कबूल फरमाए और यह पच्चीसवीं शब है शब जुमा भी है शब तौबा भी है शब मफ़रत भी है शब कबूलीत आमाल ख़िदमत इमाम ज़मान भी है और यही शब शब जुमतुलविदा भी है माहिर मुबारक रमज़ान में इस साल हमें और आपको चार शब जुमा नसीब हुए उनमें से ये आखिरी शब जुमा है और फिर आखिरी शब्ज जुमा और कल आखिरी जुमा रुखसत का वक्त आ गया अभी तो इस्तबाल का मौका था और अब रुखसत का वक्त भी आ गया और अब इस तरह से अल्लाउमलता जल्हू आखरल मिन सयाम ना ईया हो ए खुदा इस माह मुबारक के रोजों को हमारी जिंदगी का आखिरी माह सयाम न करार देना फ इन ज अलता और अगर तूने फैसला कर लिया है कि यही माह सयाम हमारी जिंदगी का आखिरी माह सयाम होगा फज अलनी मरहूमा वाला तजअलनी महरूमा बस परवरदिगार हमें मरहूम करार देना रहमतों में मुस्तरक करार देना वाला तज़लनी महरूमा हमें महरूम न करार देना तो ये कल तो कम अज कम मुखसर दुआए विदा है जुम्मत अलिदा के हवाले से और विदा के अलावा इमाम सैद सज्जाद की दुआ विदा है माह रमजान आखिरी साथ में उसका बयान इन मौका और महल की मुनासिबत से आएगा अभी तो इंतहाई अख्तसार के साथ दो तीन मसले क्योंकि तो मैंने कल आपसे वादा कर लिया था कि अब उमरे के मसाइल को मुकम्मल समझते हुए ना मुकम्मल नहीं कुछ बेहतर समझते हुए कि अब उम्र कर, करने जाने वालों के लिए कम से कम वाजिबात तो वाज हो गए बाकी हर उम्र पे जाने वाले से से के जाने से पहले अपने जिस मर्जे का मकलद है उसके मनासिक हज को अपने पास मोबाइल में डाउनलोड कर ले आजकल पीडीएफ डी एफ दस्तियाब रहती है ताकि उसे मुश्किल पेश ना आए और फिर उसके अलावा किसी ऐसे आलिम से रबता भी रखे कि अगर इनकेस ऑफ एमरजेंसी कोई मसला ऐसा पेश आ जाए जो उसे समझ में ना रहा तो गलती करने से पहले क़दम उठाने से पहले मसले को मालूम कर ले कदम उठाने की बात करेगा तो बताने वाले को भी मुश्किल होगी कि वो आपको कहाँ तक ले जाएगा और आपको भी मुश्किल होगी लिहाजा इन मसाइल में इतनी तोज्जो हम सबको करनी चाहिए अब आइए फितरा वैसे तो ये मसला बहुत बार आपकी खदमत में बयान हो चुका मगर दो तीन जुमले सवाले से इसकी अहमियत पर सिर्फ दो जुमले आपकी खिदमत में इस शायद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब या अली अल्लाह अजीम का इनकार करने वाले दस कस्म के गिरोह हैं यानी अल्लाह के हबीब की और रिवायत में काफिर की दस किस्में हैं उसमें से एक कस्म वो है जो जक़ात फितरा अदा ना करे काफिर है वो फिर आप फरमाते हैं याली आठ कस्म के गुरु ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती उन आठ किस्मों में से एक कस्म उनकी है जक़ात फ अदा नहीं करते तीसरा जुमला इस फरमाया मासूम ने कि लोगों के पास अम्वाल तो नहीं होते तो परवरदिगार ने जक़ात वाजिब की है जक़ात फ में सबके पास अमवाल तो नहीं होते जॉब करने वाले मजदूरी करने वाले मेहनत करने वाले छोटा सा कारोबार करने वाले इनके पास निसाब के लिहाज से माली जक़ात नहीं है कि जक़ात को अदा कर निसाब के एतबार से तो फिर ये जकात कौन सी है जकतुल्फितर माह रमजान के और रोजों को तमाम करना है कामिल करना है बिल्कुल ये समझिए जैसे दुरूद नमाज को कामिल करता है ऐसे जकत फितरा रोजों को कामिल करती है जकत फितरा इसका वक्त क्या है और मकदार क्या है इसका वक्त है रोयत हिलाले माहे शव्वाल मुकर्रम जब माहे शव्वाल का चांद दिखाई दे या आपको यकीन हो जाए तो फितरा की अदायगी वाजिब हो जाती है लेकिन उससे पहले माहिर मुबारक रमज़ान में आगे सिस्तानी के मुखल्दीन के लिए इजाज़त है कि वो फितरा माहिर रमज़ान में भी अगर चाहें तो अदा कर सकते हैं। गर्चे अभी वाजिब नहीं हुआ मगर अदा कर सकते हैं। वाजिब कब होगा चाँद रात को ज़क़ात फरारा की मकदार क्या है इसकी मकदार है कि जो आपके इलाके में ग़ा इस्तेमाल की जाती हो इसे चावल आटा या इस जैसी और कोई ग़ा उसके तीन किलो की मकदार में ख़ुद वो जेंस और अगर जेंस ना निकाल रहे हो तो जेंस की कीमत ये एक इंसान के फितरे की मक़दार बयान की गई आखिरी मसला इस हवाले से जो अब सवाल का जवाब के घर के जितने अफराद हैं हती के अगर घर में काम करने वाला या काम करने वाली उस घर में रहने वालों में शुमार किए जाते हो यानी कि वो उस रात में खाना खाने वालों में शामिल और सर्वेंट क्वार्टर में ही सही रहने वालों में शामिल तो उनका ज़क़़त फितरा भी पेट की जिम्मेदारी है कि जैसे अपनों का अदा करता है ऐसे उनका भी अदा करें चाहे वो काम करने वाले मुलाजमीन सुन्नी हों के शिया मुसलमान हों के हले किताब या काफिर हों लेकिन अगर आपके घर में वो घर के रहने वालों के एक फ़र्ज के तौर पर रात का खाना खाने वालों में शामिल हो रहे तो उनका जकत फितना आपकी जिम्मेदारी और मसाइल तो बहुत सारे मगर वक्त बहुत कम है याद रखिए अगर कोई मेहमान रात का खाना खाने वालों में शामिल हो क्या भाई ईद और गुरूब आफ्ताब से पहले आए पहला मसला गुरूब से पहले आए दूसरा मसला रात में आपके घर में खाना खाने वालों में शामिल किया जाए तीसरा मसाला वो रात आपके घर में गुजारे तो ऐसे मेहमान का के जो आपके घर में क्याम पजीर हो और रात के खाना खाने वालों में शामिल हो गूब से पहले आया हो तो फितरा आपके गले में है उसके गले में नहीं है लेकिन अगर गुरूप के बाद आया है और दो शर्तें पूरी हैं ट्रैफिक ने ट्रैफिक ने आपका भला कर दिया वैसे तो ट्रैफिक जैम को आप बुरा कहते थे आज तो अच्छा कहेंगे ये चलो एक तो आसानी हुई मेहमान लेट हो गया अब गुरूप के बाद आया लेकिन रात में वो आपके घर रहेगा है तो आपका साला मिसाल दे रहा हूं घबराइए नहीं आपके घर में रहेगा तो क्या आपकी अहलिया का मेहरम है तो रात में कयाम भी करेगा और तो खाना भी खाएगा और अपनी मर्जी खाना खाएगा वो तो तो आप पर अब फितरा जक़ात फितरा जो है वो आगा सिस्तानी के मुखल्दीन के लिहाज से एहतियात वाजिब में आ गया फतवे से निकल गया अगर गुरूब से पहले आता तो फतवा था देना ही देना है के बाद आया तो अब ये एहतियात वाजिब है रजू करें आलम की तरफ और वहाँ से कोई रुखसत मिल जाए तो शायद बीस तीस धरम बच जाएंगे और वरना इन्ना ला हो जाएंगे ठीक लेकिन अब एक मसला आया मसला क्या आया कि मौलाना अगर कोई किसी को शब ईद अवतार पर घर बुलाए अवतार पर घर बुलाए तो क्या अवतार पर जिसको बुलाया जाए उसका फितरा वाजिब जवाब जी नहीं को शब ईद अवतार में बुलाया जाता है उसका फितरा साहिब खाना पर वाजिब नहीं है फितरा उस मेहमान का वाजिब होता है चाहे रोजा रखा हो ना रखा हो अफतार करने वालों में शामिल हो के ना हो लेकिन अगर गुरूब से पहले आ गया और रात तो वहीं जम गया कि खाना भी खाऊंगा और सोऊंगा भी यहीं उसका फितरा साहिब खाना पे वाजिब है इससे आप पे दरुद मुस्तहब है अब ये तो बात थी मसाइल की अब आइए मसाइल के साथ वसाइल की बात भी कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे सूरह मलाइका में और सूरह मलाइका में बहुत सारे मलाइका हैं। कभी इन मलाइका के बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील और पढ़ना चाहें तो सहीफ कामला उठाइए और सहीफ कामिला की दुआ नंबर तीन दुआ नंबर तीन सलवात भर हामिली ने अर्श या हामिला ने अर्श इसका टॉपिक है कि द्रोध हो अर्श उठाने वालों पर तो चूंकि आज तो वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा लेकिन आपके लिए एक होमवर्क तो हो गया कि आज रात अगर मौका मिले तो सहीफे कामला की दुआ नंबर तीन पढ़िएगा ताकि कल रात में जब मैं उसके इशारे बयान करूंगा तो आपके लिए मसला बहुत आसान हो जाएगा दुआ नंबर तीन मगरिब की नमाज में रकतें भी तीन तो अब याद रहेगा चार भी नहीं और दो भी नहीं चार पे दुरुदस के लिए है दो पे मोहम्मद और मोहम्मद के लिए भीतरी और अब चूंकि वसाइल की बात हो रही है तो एक वसीला और सुन लीजिए शब जुमा है और शब जुमा अल्लाह के हबीब ने एक नमाज बयान की है शब जुमा की तकरीबन जो नमाजें बयान हुई हैं वो तकरीबन चालीस से ज्यादा है यानी अगर कोई वाक सब नमाजें पढ़े तो उसका चहलुम हो जाएगा चालीस से ज्यादा तो शब जुमा की नमाज ये नमाज चार रकत है और कोई भी नमाज मुस्त चार रकत एक सलाम से नहीं होती सिवाय नमाज आराबी भी या कहीं शायद कोई नमाज और मिले आपको वो अलग हो जाएगी जब जा रिवायत के अल्फाज आए लेकिन आम मुस्त नमाज का तरीका यही है चार रकत का मतलब दो सलाम के साथ ये चार रकत नमाज कैसे पढ़ना है नमाज हाजत है शहब जुमा में इसकी हाजत ना होना पढ़े इसकी वो पढ़ कैसे पढ़नी है बताएगी मौलाना ये चार रकत नमाज में हर रकत में सात मरतबा, मरतबा है ज्यादा नहीं है सात मरतबा है अलहमद बकरा नहीं है वरना तो शहब जुमा मकर हो जाता आपका तो सात मरतबा आलहमद है और एक मरतबा सूर कदर है उल्टा हिसाब हो गया अब तक तो आप सुनते थे एक मरतबा अलहमद और सात मरतबा मसल फला सूरा यहाँ इसके बारक से याद रहेगा सात मरतबा अलहमद एक मरतबा सूर कदर चारों रक़ में तरीक़ा बिल्कुल ऐसा ही है बीच में कोई और तब्दीली नहीं है जैसे सुबह की नमाज पढ़ते रुकू तो जोत कनूत वगैरह और नमाज पढ़ने के बाद फिर दो तस्वीर दरूद की पढ़नी है एक सौ मरतबा दरूद है अल्लाहुम्मा अल्ला सल्हलाद वाल मुहम्मद वा जो आप पढ़ते हैं और एक सौ मरतबा दरूद अल्ला अल्लाहुम्मा जबरील अला जिब्रील। मुश्किल तो नहीं है एक तस्वीर क्या मिलेगा हम तो आखिर वाला ढूंढते हैं क्या मिलेगा तो इसका इनाम यह मिलेगा अल्लाह के हबी फरमाते हैं खुदा जन्नत में बहिशत में सत्तर हजार आपको महल और कसर देगा महल कसर कहूं आपके यहां विला कह दू सत्तर हजार मिलेंगे और हर एक कसर और महल में सत्तर हजार कमरे होंगे और हर एक कमरे में सत्तर हजार खिदमत गुजार पुराने जन्नत होंगी कमरा कितना बड़ा होगा जब खिदमत गुजार इतने सारे होंगे तो इसका मतलब कि आपके लिए रहमत ही रहमत अब आइए अगला जुमला फिर फरमाते हैं अल्लाह के हबीब कि खुदा इस नमाज की बरकत से नमाज पढ़ने वाले को जमीन के तमाम शर और फितना जिन और इंसान दिखाई देने वाले दिखाई ना देने वाले सबसे महफूज कर देगा ओढ़ने वाली फिजाओं में से कोई अगर फितना फसाद है खुदा उस सबसे महफूज फरमा देगा खुदा आपको बख्श देगा और आपके वालदेन को भी बख्श देगा शबे जुमा मखरत वालदेन की नमाज का एक तरीका यह भी आ गया चलो पढ़ ले बड़ी तेज़ी के साथ बातें बयान करना पड़ रही हैं ताकि मैं आपकी खिदमत में कुछ तो बातें पहुंचा दूं। तो एक मसला मसाइल में मसला वसाइल में अब आई तफसर कुरान में शोरा मलाइका की वो आयत हम कल पढ़ चुके थे आज दोबारा पढ़ी है और बात थी इज्जत पर आई हुई और इज्जत पर आई हुई बात तो कल ढूँढ रहे थे कहाँ जा कोबा के इलाके में कोबा के इलाके की एक मस्जिद कोबा दूसरी मस्जिद मस्जिद जरार मस्जिद कुबा पैगंबर ने आबाद की और मस्जिद जरार पैगंबर के हुक्म से खराब की गई बर्बाद की गई उसके बाद अगला मसला कि ये बात वहाँ तक पहुंची क्यों थी कि मुनाफिकीन मदीना मदीने के मुनाफिकीन कबीले ओस और कबीले खजरत के अफराद बाज़ अफराद बाज अफरा जिनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी गजवाए बनी मुस्तल हिजरत का पांचवा बरस और पांचवें बरस में इस गजवे का एक नाम और भी है शायद बहुत कम सुना हो हमने अलमुरी अलमुरी ये अल अलिफ लाम मीमरे। ये सीन ये सीन इस असल आसलान है गजवा बनी मुस्तलक ये मोराई सही क्या है ये पानी का नाम था इलाके में यहाँ एक हजा वाकई हुआ ये पूरी बहस अलग है लेकिन अल्लाह के रसूल जब वहां से वापस पलट रहे थे तो रात में एक जगह कयाम किया तो कहते हैं अब्दुल्ला बिन ओब ने अपने मदीने के मुनाफिक दोस्तों से कहा तुमने सर चढ़ा लिया है नए नए मुसलमानों को ये तुमने ही सर चढ़ाया है अपना घर इनको दिया आदा करके इनको अपने शहर में आबाद किया इनको अपने साथ बिठाया अब आओ इनका इलाज करते ये बहुत आगे बढ़ गए तो मदीने के मुनाफिकीन का गिरोह अब्दुल्ला की सरबराही में जब ये बकवास में मजबूर कह, हूं कहने पर बकवास कर रहा था पैगंबर के खिलाफ ये सुन लिया जैद बिन अरकम ने उसके अल्फाज अल्फाजैद बिन अरकम एक नौजवान है एक कह लीजिए गुलाम है अल्लाह के हबीब से बड़ी मोहब्बत है ने आके बयान किया अल्लाह के हबीब ने बुला लिया उसको अब्दुल्हबीन ओबाई को उससे पूछा गया उसने कसमें खाई जैसे कि आजकल बड़े लोग कसमें खाते हैं हलफ उठाते हैं फिर बिगड़ जाते हैं कहा है हलफ वो रह गया हलफ में तो हलफ तो हलफ में रह गया हो ना इधर रहा ना उधर रहा कसमें खाई मैं आपके बारे में ऐसी बात करूं इतना खूबसूरत था ये अब्दुल्ला क्या सजदे का निशान था क्या दाढ़ी पर रौनक शैतान थी अल्लाह के रसूल के सामने बड़ी कसमें कर मैं आप पर फिदारे आप क्या बात कर रहे छोड़े जवान की सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद छोड़ दिया अब छोड़ तो दिया मगर इसकी मुसीबत आ गई इसकी बिन्ने बिन कम की अवीले ख़ज़रज़ ने इसे बुरा कहना शुरू कर दिया इस पे शब और सतम सब वो शतम किए गए बेचारा दिल में शर्मिंदा कि मैंने तो सच बात कही थी ये क्या हो गया काफिला वहां से चला कहते हैं उसके कान में निदाय गैबी के खुदा ने तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए आयत नहीं पूरा सूरा उतार दिया है एक आयत नहीं पूरा सूरा उतार दिया है और सिर्फ तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए खुदा ने सूर्य का नाम भी सूरह मुनाफिकून रख दिया है ग्यारह आयतें हैं सूरह मुनाफिकून में और ग्यारह आयतों में से आप पढ़ते चले जाएं क्या लुत्फ आता है मैं सब नहीं पढ़ रहा मेरा मौजू यह नहीं है सिर्फ लफ्ज इज्जत पर जो कल से हम चले थे और आज आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा मकाम है सूरह मुबारक मुनाफिकून में आयत नंबर आठ व लजीना यकूना ला इन रजाना मदीना ला युर जन्न अजो मनहल अजल फाजतो वल रसूलिही विल मनी किन्नल मुनाफिक लाया लमुन तर्जुमा क्या है तर्जुमा यह है कि वो आपस में कह रहे थे वो यकोलोन कहते थे मुनाफिक लाइन रजाना अगर हम वापस पलट के मदीना इल मदीना थे लाइ उ जन्नलो जरूर बाहर निकाल करेंगे हम इज्जतदार लोग किसको हा मदीने से अल अज़ल इन जरीर लोगों को कौन मक्के वाले कौन अल्लाह के रसूल के जानिसार आपके अहले बे खुदा सबको निकाल बाहर कर खुदा खुद इज्जत हो वाल रसूल ही विलोम इज्जत अल्लाह के लिए है इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है जत अहले ईमान के लिए वाला किन्नल मुनाफी लेकिन मुनाफिक इस बात को जानती नहीं बात वाजे हो गई अब आइए तीसरा मकाम सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर छब्बीस में बहुत मशहूर आयत है सबको जुबानी याद है इस आयत का नाम है आयत मुल्कम मालिकुल मुल्क कहिए अल्लाह ही तो है जो मुल्क का मालिक है इसको चाहते है तो तुल मुल्क का मंतशा इसको चाहता है तो मुल्क अता करता है और उल मुल्क का मंतशा और इससे चाहता है मुल्क वापिस ले लेता है वह तो इज्जो मंतशा वह तो झिल्लो मंतशा और जिसको चाहता है खुदा इज्जत देता है और जिसको चाहता है खुदा जिल्लत देता है अब अगर तफसीर का वक्त इतना मिलता तो लफ्ज तशा पर लफ्ज यशा पर बहुत सी बातें गहराई में जा सकती मगर एक तालब इम होने की हैसियत में कम अज कम जुमला मैं अपनी आम जिंदगी की मिसाल दे देता हूं बच्चे ने कहा अब्बा से अब्बा मोबाइल दिलवा दो अब्बा ने क्या क्या नहीं दिलवाऊंगा क्यों अब्बा मेरी मर्जी ये मेरी मर्जी का मतलब क्या है क्या वालिद के पास कोई लॉजिक है या नहीं बच्चे को मोबाइल ना दिलवाने की लॉजिक है या नहीं अगर लॉजिक नहीं है तो एक मकाम वो होता है या इंसान अपनी ला इल्मी को ना वाकफियत को छुपाने के लिए कहता है मेरी मर्जी या कहीं ऐसा भी होता है कि इंसान ना वाकिफ नहीं होता ला इल्म नहीं होता बल्कि अपने इल्म को वाकफियत को सामने वाले पे जाहिर करना नहीं चाहता यानी मेरे वालिद की निगाह में मोबाइल देने के लिए जो एज लिमिट के मसाइल थे उसकी बुनियाद पे कहा था कि मेरी मर्जी है जब मैंने कहा अब्बा दिलवाया बहन को दिलवाया भैया को मुझे क्यों नहीं तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं घर का सरबरा होकर जिसको चाहूं मोबाइल दिलवाऊं जिसको चाहूं ना दिलवाऊं तो मेरे दिलवाने के पीछे भी और ना दिलवाने के पीछे भी कोई मंतिक है या नहीं ऐसे ही समझिए जब मैं घर का सरबरा होकर अपनी मर्जी का मतलब अपने इल की बुनियाद पर बच्चों की असलाह का ख्याल करते हुए या अता कर रहा हूं या मना कर रहा हूँ तो खुदा खुदा आलिम खबीर है अलीम भी है और आलिम भी है और खबीर भी है और मुखबिर भी है वो अगर कहता है तो में मैं अहलियत देखता हूं उसे इज्जत और जिसमें मैं अहलियत नहीं देखता उससे इज्जत का तोहफा राश ही नहीं आता मिसाल और समझाने के लिए चलिए अगर बारिश रहमते परवरदिगार हो और कोई बारिश के बेहतरीन कर अतराज से बचने के लिए शेड के नीचे आ जाए तो खुदा ने तो बारिश उतारी दोनों पर थी बाहर वाले पर भी इस वाले पर भी इसने खुद ही रोक लिया तो मंतशा इसको लोग कहते हैं जी ये देखो अगर करबला वाले शहीद हो गए पामाल हो गए तो ये उनके लिए तोयजो मंतशा वो तख्त पर बैठा रहा हाँ कि मैं शाम का बेटा ये इज्जत इज्जत के माना समझे ही नहीं गए शोहरत और है इज्जत और है हमने शोहरत को इज्जत के माना दे दिए आपको तो मालूम है एक इज्जत है झूठी यानी मजबूरी वाली इज्जत है कौन सी इज्जत है अरे हमारा पड़ोसी पुलिस में डीएसपी लग गया अब तो सलाम करना ही पड़ेगा इस तो बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं बनी बिगड़ती है दुश्मन हजार होते एक इज्जत ये वाली है ये इज्जत नहीं है इज्जत होती क्या फिर गौर कीजिए इशाद फरमाते हैं मौलाई अली ने अभी तालि सलाम बास कहते फरमान फरमान मुशतबा है मौला का जनादा भी नबी सुफियान से आपके इज़ा था इस आपकेशीर अगर तुम इज्जत चाहते हो बगैर खानदान बग़ैर कौम और कबीले वह इजा अरत है वतन बिला सुल्तान और अगर चाहते हो रोब रोबो दबदबा बगैर हुकूमत के भी आओ खुदा की मासीयत से निकलकर खुदा की एतात की इज्जत में आ जाओ अब बताएं क्या कबीला था बिलाले हबशी का उनके पास तो रंग का और जमाल का अनुमान भी न था क्या कबीला था सलमान का ये तो अकेले गैर अरब थे सहाबा के दरमियान इब्तदाई सहाबा में क्या मकाम था न कौम ना कबीला न सल्तनत ना हुकूमत फिर इज्जत कैसे मिली ये कहा आते खुदा की वजह से तो असलन इज्जत क्या है जब तक इंसान हालत कयाम में रहता है उसका मकाम और है जैसे ही उसने अपनी पेशानी को सबसे बुलंद जगह को सजदे में खाक पर रखा खुदा ने उससे इज्जत अता कर दी जब तक खड़ा था इज्जत का मैार और था शायद सब के कद अलग अलग थे छोटा खड़ा था दरमियाना खड़ा था ऊंचा खड़ा था सजदे में गए सबके सर एक जैसे हो गए इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। क्या इज्जत दी खुदा ने काबे में विलादत मस्जिद में शहादत वो आपकी इज्जतें कहां हैं? उस तो वो रब्बिल काबते रब इमाम ने फरमाया रब काबा की कसम में कामयाब हो गया अल्लाह तो अल्फाज के मनकाना यदल्जत जो इज्जत चाहता हो बहुत गौर कीजिए हमारे यहां नाक का मसला बहुत है ये नाक नहीं वो नाम वाली नाक जो है पता नहीं वो कहाँ लिखा है नाक इतनी मशहूर नाक है कटती नहीं और कट जाए भी जुड़ती नहीं क्या कहेंगे खानदान वाले अब्बा का चहलुम किया अब बिरयानी नहीं खिलाई बोटियां कम थी अब्बा से मोहब्बत कम सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अरे अभी तो अस्पताल का बिल पुरानी हुआ है मेरा और आप सवाल करें बिरयानी का बोटियों का ला हौला वाला। आप दोस्त हैं कि दुश्मन और अगर आपने बहुत अच्छा खिलाया अरे खूब खा के माशाल्लाह क्या कहने मरहूम बड़े अच्छे थे चावल बड़े थे आपने तारीफ कर नफाते दुरुद मतलब क्या है ये सब नाक के लिए कर रहे लोग क्या लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे लोग तो किसी हाल में आपसे खुश नहीं हैं कम खिलाएं तो मुश्किल ज्यादा खिलाएं तो मुश्किल ज्यादा खिलाए बहुत पैसा आ गया ऊपर का पैसा ऊपर का आप देख क्या ऊपर पैसा है। तो ना इधर खुश उधर खुश खुश उसे करो सबसे जल्दी खुश हो जाता है या सर या रेमल्लाम तो उसे खुश क्यों कर रहे जो किसी हालत में खुश नहीं हो सकता यानी के जमाने के लोग जबकि खुदा इतनी जल्दी खुश हो जाता है एक आंसू का कतरा भी आ जाए मक्खी के पर के बराबर निदामत भी हो जाए सर झुका कर खुदा कहते हैं माजी मा हो तो याद रखें इज्जत के मुतलाशी। इज्जत जॉब में नहीं है इज्जत कारोबार में नहीं है इज्जत बड़े मकान में बड़ी दुकान में नहीं है इज्जत अल्लाह की इताअत में है इज्जत खुदा ने मखसूस की अपने मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इज्जत मखसूस की अपने हबीब और अहले बैत के चाहने वाले मोमिनीन मोमिनात के लिए ये इज्जत है बाकी कोई इज्जत का मैार नहीं है अल्लाह के नजदीक इलाई है अब की इले है यस अदुल अदुलत्यब उसकी तरफ बुलंद होते पाकिजा कले यस अदो सऊत करते हैं ऊपर जाते हैं तो पहला मसला ये हुआ कि ये खुद ऊपर जाते हैं ये इन्हें कोई ऊपर ले जाता है दूसरी बात ये कली तैयब क्या है तो पहली बात के खुद नहीं जाते इनको परवास के लिए पर चाहिए इनको ऊपर जाने के लिए तबानाई चाहिए तबानाई और पर कहां से मिलते हैं वल अमल यर फू और नेक अमल इस कलमात तैयब को ऊपर ले जाते में मददगार होते हैं ये दो पर हैं अमल वाले। अब मसला कलम तैयब क्या है कलिम जमा कलमे की तैयब यहाँ लोग कहते हैं यहाँ से मुराद कलम तैयबा ला ला या कलम शहादत न शहद अल्ला व शहद अन्न मोहम्मद अब्दुलरसूलो आज कहते इससे मुराद मैं विलायत अली ने अभी अलैहिस्सलाम सलाथ। एक बात तो वाज़े है कि ये कुरान मजीद का पैगाम है कि शजर तैयबा, कलमय तैयबा और हयात तैयबा। शजर तैयबा है आल मोहम्मद कलम तैयबा है अकरार विलायत आल मोहम्मद और नतीजा है हयात तैयबा या यूं समझ लें अगर ऐसे बात समझ में ना आए कि जुबा के साथ दिल बोला कलम तैयब हो गया तो मैं तैयब को बुलंद कौन करता है अल और पाकिजा ये खुद ब खुद हवा में नहीं जाता है इसे हवा में यानी खुदा की तरफ ले जाने में अमाल सवाल वल्लना यम कर सय्यात और वो जो आ, मकरो फरेब करते हैं गुनाहों के हवाले से धोखा देते हैं लाहौम अजाब और शदीद उनके लिए तो शदीद अजाब है मकर हुआ यबूर और इनका जो मकर है वो बर्बाद हो जाने वाला है ख़त्म हो जाने वाला है जहन्नुम में पड़ जाने वाला है ना ये खुद बचेंगे ना इनके धोखे फ्रेब बचेंगे ये भी जाएंगे इनके साथ इनके सारे मुकदमे भी जाएंगे जो मुक़दमे किए थे जवाब में जो फैसले किए थे बात जब काजियों की आती डर लगता है बोलते हुए काजी की चार किस्में हैं चार में से तीन जहन्नुम में जाएंगी एक जन्नत में जाए कौन सा काजी है जो जन्नत में जाएगा नाम पे मत जाइएगा नाम तो मैं रख दू अपने बच्चे काजी सल बात पढ़े वाले, वाले। ये तीन काजी वो अलग हैं वो एक काजी मैं नहीं कह रहा कौन क्या है, है तो इमाम की हदीस से इमाम फरमाते हैं कि काजियों की चार किस्में हैं फैसला दे इल्म के साथ फैसला दे इल्म के बगैर दो हो गए फैसला दे इल्म के साथ सही हो फैसला दे इल्म के साथ गलत हो फैसला दे बगैर इल्म के सही हो फैसला दे बगैर इल्म के गलत हो चार हो गए इन चार में तीन निकाल दिए तीन जहन्नुमी हैं, एक जन्नती, वो का जो फैसला दे इल्म के साथ और सही फैसला दे तो वो जन्नती है जो फैसला दे इल्म के साथ गलत दे वो जो फैसला इल्म के बगैर दे चाहे सही हो या फैसला गलत हो दोन जहन्नम में, जहन्न में जाएंगे तो याद रखें जितने मकरव फरेब हैं सब के सब उनके साथ जहनम का ईंधन बनने वाले वल्लाह हो बात खत्म हो रही है वक्त के साथ साथ और अल्लाह वो है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया है खुदा का एहसान हम सब के सब तुराबी हैं और अपने आप को तुराबी कहा कीजिए ये तुराबी कहने से इनके सारी बढ़ती है और वो तुराब की मोहब्बत में कुर्बत बढ़ जाती है एक ही फास्ता रह जाता है वो अबू तुराब हम तोराबी खाली बीच में अबू रह जाते पढ़े मोहम्मद बाकी जो नाम अपने आप को दें वो आपकी मर्जी तुराबी कहेंगे तो कुरान का लफ्ज तुराबी है क्या शख्सियत है अल्लाह रशीद तो मरू हो बिन मिन बिन और अल्लाह ने तुम्हें तुराब से पैदा किया मम नुतफिन फिर तुम्हें नुतफे से खल्क फरमाया तो पहली खिलकत तुराब से उसके बाद की खिलकत खिल्क, नुतफे से सुग मजवाजन उसके बाद की खिलकत जोड़े जोड़े बनाकर हमां मिन उनसा और कोई भी खातून हामला नहीं होती और कोई खातून बच्चे को जनती नहीं है इल्ला है, मगर वो खुदा के इल्म तो ये खिलकत इंसानी के पांच मराहल हैं इससे बात करते हुए आज महसूस ये हो रहा है कि शायद बात मुकम्मल ना हो पाएगी वामा यो अमर मिन अमर और किसी इंसान को तोले उम्र नहीं मिलती भला युन कसो मिनर ही और ना किसी की उम्र में कमी की जाती है इल्ला किताब मगर वो सब सब किताब में लिखा हुआ है किस किताब में लिखा हुआ है उम्र की वजाहत क्या है खिलकत के पांच मराहिल के बाद खुदा ने इंसान की उम्र की बात की है उम्र को उम्र क्यों कहते हैं हयात या जिंदगी को एक हिस्से को उम्र क्यों कहते हैं इसलिए कि निकला है इमारत से तो जिंदगी की इमारत जितना इसके साथ रहेगी उस जमाने को उम्र कहा जाएगा बात याद रहे इसके दो किस्में हैं उम्र मुअम्मर, उम्र मुक्र यानी पुलानी उम्र और छोटी उम्र इस पर इंशाला बात कल होगी क्योंकि तो अभी वजाहत का वक्त महसूस नहीं कर पा रहा बस बात समेट रहा कि इंसान खुदा की नेमतों तो पे गौर तो करे कि खुदा ने उसे बेहतरीन मौके अदा किए हैं इतफाक से आज एक मुलाकात के लिए आने वाले छोटे बच्चे ने सवाल किया शब कदर के हवाले से सवाल ये किया कि ये जो ललित्र खैरमिनल्फ़ शहर के बारे में हम सुनते हैं अपने बड़ों से स्कूल में टीचर से सुनते हैं कि बन इसराइल के ज़माने में एक आबिद ऐसा गुजरा है जिसने एक हज़ार महीने तक राह खुदा में अपने बदन पर असलहबाद के जहाद किया था तो जब ने उस अब नेराइल के आबिद का वाक सुना तो पैगम्बर की खिदमत में या नबी अल्लाह हम कहाँ कर सकते हैं वो हजार महीने की जिंदगी जिहाद हम कहाँ कर सकते हैं तो अल्लाह के हबीब ने सुर इन्ना जलना की आयत का हवाला दिया लतर खैरुन जब पूछा गया मौला से मौला इसका मतलब क्या फरमाया कि वो एक रात इसमें यानी एक वो साल इसमें शब कद्र ऐसे हजार महीनों से बेहतर है यानी एक वो महीना हजार महीनों से बेहतर है इसमें शब कदर नहीं होती थी यानी कि अल्लाह के रसूल के जमाने से पहले आम उम्मतों के लिए शब नहीं इस उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए शब कद्र है या फिर बामा कहते हैं मुराद बनो मैया के हजार महीनों की हुकूमत है और सैदा फातमा जहरा का वजूद मुकदस उस पूरी हुकूमत से बेहतर है हाँ इसीलिए कोई जमाना ऐसा ना गुजरा जब जालिमों ने आले मोहम्मद को सताया ना हो कैसे मुश्किल कैसे मसाइब हैं आप बैठे हैं इतमान से सोचिए जरा कि कभी अगर कोई इतनी तंग जगह हो आज तो माशाल्लाह बहुत जगह है बारगाह के अंदर बहुत मजबूत भर जाता है लोग बिल्कुल ऐसे बैठते हैं कि अपने पाँव नहीं सीधे कर सकते नशे तब्दील नहीं कर सकते मजबूर हो जाते बैठना होता है घंटा दो घंटा बहुत से बोलते लेकिन सोचिए इमाम मोसी काजिम की मुसीबत को आज पच्चीसवीं शब है माह रमजान की तो क्यों ना अपने मौला को याद करें कैसा कैद खाना था कैद खाना ऐसा था कि जो कब्र के अंदाज में था यानी किसी जिंदा को कब्र में रखा जाए तो कब्र में तो फिर भी मैं कहता हूं कि जगह लेटने की तो होती है सातवें इमाम का जो कैद खाना है उसमें गहराई कब्र की तरह से है मगर लंबाई कब्र की तरह नहीं है हाँ ना पूरे कस्से खड़े हो सकते थे ना पाँव फैला के लेट सकते थे इमाम ने कितना टाइम गुजारा ऐसे में चौदह साल गुजारे या कभी शायर ने इस तरह मौला के मसाइब को बयान किया कि मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई अल्लाह अकबर उस पर सितम ये कि जब किसी मिलने वाले ने इमाम की ज्यारत का अहतमाम किया पैसे दिए कि इमाम की कम अज कम ज्यारत हो जाए तो ऊपर रोशनदान के सराख से उसे जारत कराई गई उसने देखा इस गढ़े में कोई दिखाई ना दिया क्या तुमने पैसे लिए हैं मुझे कम से कम ज्यादा तो कराओ मौला की क्या गौर से देखना अंदर तेरा मौला मौजूद है कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय चादर के जो पड़ी हुई है निगरान कहता यही तेरा मौला कासिम, तवीला इमाम, बे, इमाम के पैरों में बेड़िया ऐसी पहनाई गई थी कि मौला की मौला की पिंडियों से खून बहता था इतनी सख्त थी जो पहनाई गई थी बेड़िया हाथों में हथकड़िया है मेरा माला इस आलम में जहरे बगा से शहीद किया गया बस आखिरी जुमला रोने वालों इस तरह क़ैद खाना था कि खुद कैद खाने के दरोगा जो थे निगरान जो थे सिपाही थे वो भी अंदर जा नहीं सकते थे सीढ़ी अंदर उतारी गई सीढ़ी से अंदर उतरे आपके जिस्म को सीढ़ी से रस्सियों से बांधा सीढ़ी को ऊपर खींचा गया हाय गुरबत मूसी काज़े फिर उठा के जिसमें जिसमें मूसी काजिम को बगदाद के पुल पे डाल दिया गया आवाज़ आवाजिया इमाम मारा गया वाह मुसीबत हा रोने वालों ऐसे में बगदाद के इलाके में रहने वाला एक लोहे का काम करने वाला लोहार कहता है कि निस्वे शब के बाद किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी कहते मैं दरवाजे पर आया कौन है, देखा एक है मेरे बेटे की हथकड़िया भेड़िया काटना है वो गुरबत अरे जिसकी हथकड़िया भेड़िया हुई शहादत के बाद काटी गई बारला वास्त महम्मद मोहम्मद का बाबुल हवाइश का वास्ता परवरदार बा मुराद का वास्ता शब जुमा है तमाम मांगने वालों की मुरादें और हवाइ का पूरा फरमा बारला वास्तव महम्मद महम्मद का महंगाई बहुत ज़ोरों पर परवरदगार तमाम तर बरकतें अता फरमा वास्ता मोहम्मद मोहम्मद का सत्य में, में परवरदि बरकतें अता फरमा बार वास्तव मोहम्मद अल मोहम्मद का सच्ची बात है परवरदिगार रोजी रोटी केनवान में किस को याद रहता है नमाजें कितनी पढ़नी है परवरदिगार रिस्क इतना अता रहे कितरी इबादत से गफलत ना हो सके परवरदार वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का मेरे मालिक हमारे मरूमी की मफफरत फरमा हमारे जिंदों पर रहम फरमा तमाम आलम इस्लाम पर रहम करम नाजिल फरमा जो मुसीबत ज़दा मजलूम हैं जंग के मारे हुए हैं परवरदगार उन पर पे अपना रहम करम नाजिल फरमा तमाम बातिलकवतों को नाबूत फरमा इमाम ज़माना सलाम के जहोर में ताजील फरमा एक सुरफ़ फातह केमा से बाहलिन आपके मरहुमी मरहूम मुश्तिन इस्लाम बिलखसूस सानह महफिल मुर्तजा और महफिल शहीद हमीद अली भोजानी शहीद बशीर अली और दीगर अठारह शोहदा इमाम बारगा के वॉल्टियर्स के मरहून और उन मरहूमिन को याद करते हुए जिनके लिए कोई सूर्य फातह पढ़ने वाला नहीं है